देखिए, जिस वक्त कच्ची मिट्टी होती है, गारा होता है, और उसको किस तरह से गारा बना के फिर वो पक्की ईंट इतनी हो जाती है कि अगर सर पे भी मार दो तो सर फट जाता है। देखिए, ये मिट्टी काटते हैं, फिर उसके बाद ये गारा बनाते हैं। देखिए, ये गारा बना रहे हैं मिट्टी का, और मिट्टी का जिस वक्त गारा बन जाता है तो फिर इसके बाद जो है इसको सांचे में ढालते हैं। ये कच्ची होती है, ये इस वक्त हाथ से भी टूट जाएगी, लेकिन जिस वक्त ये मजबूत हो जाती है आग में पककर, जो भट्टी में पकाई जाती है, तो फिर अगर सर पे भी मार दो तो सर भी, देखिए आप जो है गारा बन रहा है। हमारे सामने का देखिए, ये इसको इस तरह सांचे में ढालते हैं, और ये अभी भी कच्ची मिट्टी है। ये देखिए, ये किस तरह से इसको डाल देंगे। देखिए, ये देखिए, देखिए आप, ये बिल्कुल इस तरह से होता है। ये सांचे में डली, इसका जो भी नंबर इसको देना होता है नंबर दे देते हैं, और उसके बाद ये इस तरह से लाइन लाइन लगते रहती है, और फिर भट्टी में चली जाती है। हाँ भाई साहब, फिर भट्टी में, फिर कितने दिन में पकती है? जब आग छूट जाएगी तभी पकेगी। अभी आग छूटी नहीं है ठीक, तो बरसात में बंद हो जाता है? बंद। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से ये इन्होंने बना बना के रखा हुआ है। देखिए, ये गारा ला रहे हैं, ये गारा ला के पलट देते हैं फिर ये, और ये फिर सांचे में ढालते हैं इसको थोड़ा थोड़ा, और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे छोटा सा बच्चा होता है, मासूम बच्चा होता है, बिल्कुल मुलायम होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जवान हो जाता है, फिर हार्ड हो जाता है। इसी तरह इसको भट्टी में पकाने के बाद फिर इस ईंट को हार्ड करके जिससे मकान बनाया जाता है, और मकान सालों साल चलते हैं। अभी यहाँ जो भट्टे पे ईंट बन रही है, इसके क्या कहना है तुम्हें? तुम्हारे काम आती है ईंटें? बढ़िया बढ़िया हो रही है। बस चलो ठीक है। अब ये जो मिट्टी बना रहे, पकेगी कैसे? ये लकड़ी से। लकड़ी से कहाँ है भट्टी इसकी? भट्टी यही है। चलो फिर से मकान बन जाएगा, जैसे ये पीछे बना हुआ देखो, ये कोठा बना हुआ है। ये भट्टी के बाद इसमें फिर लकड़ी पड़ जाती है, और ये इस तरह से जो है भट्टी चालू होती है हल्के हल्के, आप देख सकते हैं। ये ऐसे ऐसे जो है कच्ची मिट्टी रखते जाते हैं, फिर उसके बाद ये पूरी हो जाती है तो इसको पका दिए जाते हैं। भाई किस तरह से पकाया जाता है इनको? उधर पकाया जा रहा है। अच्छा, वो भट्टी है वहाँ, वो पकाया जा रहा है, यहाँ से भराई हो जा रही है। अच्छा, बरसात में तो बंद हो जाता है ना ये? बरसात से पहले पहले सब काम कम्प्लीट हो जाता है? बिल्कुल, बरसात में तो कोई काम ही नहीं होता, भट्टा है कच्चा काम। आप खाली जगह देख रहे हैं, इसी में ये नाली नाली इस तरह से ये ईंटें भरते रहते हैं, और ये कच्ची ईंट है, और जब ये पूरी भर जाएगी तो इसको हल्के हल्के अभी इन्होंने भरना शुरू, ये पीछे से भराव होता चला आ रहा है, ऐसे भरती चली जाएगी, और जब ये पक जाएगी तो पूरी तरह से इसको, और बरसात से पहले पहले सारा काम ख़त्म कर दिया जाता है। ये लकड़ी और कोयला जो है इसमें झोंका जाता है, और ये 24 घंटे चलती है? 24 घंटे चलती रहती है, शिफ्ट होती है, 6-6 घंटे की शिफ्ट होती है, शिफ्ट। देखिए, ये सारी खाली पड़ी हुई है, और एक टाइम इसमें जो है इसी तरह से सब ये घोड़ा गाड़ी पे ला ला कर सारे जो है यहाँ पे भर्ती चली जाएगी पूरी, है एक टाइम पूरी। अच्छा, इधर से पकाई तो शुरू हो गई ना? ऐसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐसे ही स्टार्ट होती है, और उसके बाद जैसे जैसे पकती आती है फिर यहीं से उठानी शुरू कर देंगे, और वो होते होते बरसात से पहले ख़त्म हो जाती है। देखिए, इस वक्त हम किरतपुर में मौजूद हैं। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये ईंटें कैसे बनती हैं, सभी को मालूम है मिट्टी से बनती है, लेकिन इतनी मुलायम मिट्टी जो होती है इतनी हार्ड कैसे हो जाती है कि अगर आदमी के सर पर उसको मार दिया जाए तो खून निकले बगैर रहता ही नहीं।
हमारे साथ ये भट्टे के मालिक मौजूद हैं शमीम भाई। शमीम भाई बताएंगे कि किस किस प्रतिक्रिया से जो ये मिट्टी को हार्ड कर लोगों तक पहुँचा कर उनकी खिदमत कर रहे हैं और कब से ये कर रहे हैं। शमीम भाई, ये भट्टे का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हम लोग मिट्टी को खुदवाते हैं। खुदवाने के बाद उसकी जो है पानी में मिला के उसको मथा जाता है। आजकल नई तकनीक आई है मशीन द्वारा, उससे जो है मिट्टी को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद दो दिन उसको होल्ड किया जाता है। होल्ड करने के बाद तब ईंटों की पथाई का काम होता है, तब इसमें कई हार्डनेस आती है और क्वालिटी बनती है, जो आजकल नई तकनीक चल रही है। अच्छा, जैसे फिर बना के भट्टे में लाकर आप रखते हैं तो वो किस तरह से प्रतिक्रिया होती है और कितने दिन की रहती है? ये ईंट पथाई का जो काम करते हैं लेबर, उसके बाद कुम्हार जो है, ईंटें जब सूख जाती है तो कुम्हार बुग्गी द्वारा भट्टे के अंदर लाके जमा करते हैं। ठीक है। इसको तीन लोग स्पेशली, जो जिन्हें बेलदार कहा जाता है, इसकी चिनाई की तकनीक जो है वो स्पेशल होती है, वो आम आदमी नहीं कर सकता। तो उसके बाद इसमें खांचे वगैरह ये सब डाले जाते हैं, पीछे से आग लगा के उसको पकाई जाती है। अच्छा, तब जाके कहीं ईंटें पकती है। अच्छा, फिर हल्के हल्के निकलनी शुरू हो जाती है और कब तक बरसात में सुना बंद हो जाता है? उसके बाद जो इसका जो वो है काम करने का भट्टे का सीजन, वो अक्टूबर टू जून होता है। जैसे बरसात चल जाती है, बरसात के बाद भट्टे का काम एंड हो जाता है। और ईंटें जो है प्रोडक्शन ख़त्म होता है, ईंटें बिकती रहती है। ईंटें बिकती रहती है। तो ठीक है, जैसे अभी इन्होंने नई तकनीक की बात की तो नई तकनीक से भी मालूम कर लेते हैं। शमीम भाई थे, इनके साहबजादे भी यहाँ मौजूद हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम अदनान शमीम है। अदनान भाई, अभी इन्होंने शमीम भाई ने एक बात बताई कि नई तकनीक आ गई है, तो आप नई तकनीक के बारे में बताएं कि उससे फ़ायदा है या नुकसान है। नई तकनीक से ये फ़ायदा है, जो मशीन में जो गाढ़ा बेला जाता है उससे शॉर्टनेस होती है, और जो खाचे में जो गाढ़ा जाता है वो पूरा इकसार जाता है। और इसे बनाने में कम बढ़ती हो जाती है? नहीं, उससे ईट बिल्कुल हाँ इकसार आती है। अच्छा, लेबर का तो काम ख़त्म हो जाता होगा तकरीबन? हाँ, लेबर का काम तो ख़त्म होता है, बट मोस्टली वो गाढ़ा निकाल के रखते हैं सामने, बस उनको निकालना पड़ता है खाँचे से। देखिए, नई तकनीक आने से एक्यूरेसी तो बहुत आ गई है, लेकिन कुछ लोगों को काम भी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नई तकनीक भी और पुरानी तकनीक भी दोनों एक साथ हो रही हैं। और ये भट्टे का काम जो है तकरीबन बहुत पुराना है और ज़माने से चला आ रहा है। आपका तकरीबन कितना टाइम पुराना भट्टा होगा? 32-33 साल पुराना है। यानी आपकी उम्र से पहले? बहुत पहले, पहले इससे पहले। ठीक है, ठीक, बहुत पुराना है भट्टे का काम। ये शमीम भाई भी करते हैं, उनके लड़के भी जो है इसी काम को लेकर आगे कर चल रहे हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। किरतपुर से एमराम। सियासी तब्दील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।